आपका आप भारत टीवी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ मिताली नाइक। सच्चाई से होगी सामना, बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आप भारत टीवी चैनल। तो आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ अच्छा है बटन देवी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल की गैलेक्सी इन होटल में उपस्थित हूं और यहां पर अभी एक कलाकार आए हुए जो कि बुलेट पिंक फिल्म से जुड़े हुए हैं और उसका एक्टर भी है ये। तो मैं सीधे चल करके उनसे मैं बातें करता हूं कि यहां आने के कारण क्या है और वो यही होटल में बैठे हुए हैं जो कि गैलेक्सी इन होटल है यहाँ पर बिस्कुमान के सामने। और यहाँ पर प्रमुख साहब राकेश कुमार लाली भी हैं उपस्थित और बहुत से यहाँ पे कलाकार भी लोग हैं और ग्रामीण जनता भी हैं। तो मैं यहाँ पर चल करके सीधे बातें करता हूँ। सबसे पहले नमस्कार सर, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर मैं मनोज कुमार राव, मैं ही ससराम के रहने वाला हूँ और मेरी पहली फिल्म मृदंग है जो रिलीज हो चुकी है अभी एमएक्स प्लेयर पे, बुलेट पेन आई। तो आप लोग बुलेट पेन को डाउनलोड करें और उस पर बुलेट एमएक्स प्लेयर को डाउनलोड करें और बुलेट पेन देखें। ये बताइए सर, ये बुलेट पेन पिक्चर जो आपने बनाया है इसका शूटिंग कहाँ हुआ? टोटल शूटिंग सर स्टार्ट टू फिनिश ससराम में ही हुआ। भारत में इतने सुंदर सुंदर जगह है हर जगह पर, फिर आपने ससाराम को ही क्यों चूज किया? रोहतास भारत का भी एक हिस्सा है सर, ससाराम बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ का जो झरना है, पहाड़ है, काफी मतलब खूबसूरत जगह है जहाँ की आप एक्शन थ्रिलर या रोमांटिक फिल्म आप किसी कोई भी स्टोरी लेकर आइए यहाँ पे कंप्लीट शूट कर दीजिए। यानी मेरी रोहतास की मिट्टी जो है और रोहतास की जो जगह ये मतलब प्रकृति से जो जुड़ा हुआ है ये पिक्चर लाइक है या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टार्ट टू फिनिश पिक्चर के लिए कोई भी आपको लोकेशन चाहिए टोटल लोकेशन अपने रोहतास में अवेलेबल है। ये हमारे रोहतास जिला जो है इसके बारे में इन्होंने अभी बताया कि रोहतास में वो प्राकृत से जुड़ा हुआ सुंदरता है जो फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग भी यहाँ पर आकर के अपना शूटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे एक से एक वीर महापुरुष भी जन्म लिए थे जो कि आज हमारे रोहतास का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। तो यहाँ पर अभी और भी लोग बैठे हैं, उन लोग से मैं बातें करूंगा। नमस्कार सर, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है, अपना परिचय। नमस्कार, मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर सुरेंद्र सिंह हूँ और स्क्रिप्ट राइटर भी मैं ही हूँ सुरेंद्र सिंह। और ये हमारी पहली वेब सीरीज और इतनी बड़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स पर जाने से हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और इसमें सारा श्रेय हम अपने जिले के प्रकृति को देते हैं, यहाँ के लोगों को देते हैं, प्रशासन को देते हैं, पब्लिक को देते हैं जो बहुत बड़ी सहयोग से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमें पहुँचाई है। और आप मीडिया वाले को भी बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं। ये बताइए सर, आप रोहतास जिला में ये फिल्म जो बनाए हैं ये सक्सेसफुल होगी या नहीं, ये बताइए। ये सर एमएक्स प्लेयर पर जाना ही ये सक्सेस की निशानी है। यहाँ से पूरे मतलब यहाँ को क्या मतलब आप संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही देते हैं कि हमारे यहाँ अगर जो बॉम्बे में फिल्म अगर मानकर चलिए कि 1 करोड़ में शूट होगी तो हमारा रोहतास जिला में लगभग उनकी आधा के लगभग में पैसा लग करके वो फिल्म बनने वाली है। उनको प्रोड्यूसर को बहुत बड़ा बचत होने वाला है अगर रोहतास जिला के प्राकृतिक सौंदर्य को, लोगों को, यहाँ के जगह को अगर यूज करता है तो कम लागत में यहाँ बड़े बड़े फिल्म बनने की चांस है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आर भारती चैनल को जानकारी दिया। कुछ यहाँ के भी लोग हैं उनसे भी मैं जानकारी लूंगा कि आज उन लोग को कैसा महसूस हो रहा है जो कि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग आए हुए हैं। सबसे पहले आप अपना पढ़ के बताइए सर, मैं आपके बगल में बैठा हूँ। क्या नाम पड़ता है आपका? सर अमित कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रोहतास जिला ग्राम चांदी इंग्लिश के रहने। अच्छा, चांदी इंग्लिश के रहने वाले। अभी इस फिल्म में आपका भी योगदान है क्या? यस सर। क्या क्या रोल किया? नेगेटिव करेक्टर है, जो एमएलए है पांडे के बेटा का करेक्टर है मेरा। वो रोल कैसा रोल है सर? सर नेगेटिव करेक्टर है लेकिन करने में मजा आया। करेक्टर तो कोई भी करेक्टर है, करेक्टर के हिसाब से करना पड़ता है। आप एक रोहतास की धरती के लड़के हैं। यस सर। और आप डायरेक्ट पर्दे पर आ गए, आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
आगे चल के क्या करना चाहते हैं? आगे चल के सर फिल्म के माध्यम से ही मतलब अपने समाज को, अपने युवाओं को, सारे लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। अगर फिल्म में जो आप लोग मदद करते हैं किसी को, हकीकत में मदद करना पड़े तो करेंगे कि नहीं? यस सर, बिल्कुल करेंगे। हम लोग तो वही एक आईना दिखा रहे हो ना कि हम लोग फिल्म में करते हैं, लेकिन ऐसा इंसान इंसानियत के नाते भी करना पड़ेगा तो हम लोग रियल में भी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका नाम है बुलेट पेन, यानी समाज पर इस समय जो आधारित है, समाज में जो घटनाएं घट रही है उसी पर आधारित, उसी पर आधारित। जैसे देखिए, एक चीज मैं कहूंगा सर कि आज हम लोग क्या कहते हैं, कोई घटना होती है तो हमें क्या, तुम्हें क्या। और इस फिल्म में इतना बड़ा हम लोग संदेश देने का काम किए हैं कि मेरा हीरो अपने दोस्त के बहन के लिए, उसकी इज्जत मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने पूरी जीवन को बर्बाद करके बंदूक उठा ले रहा है। ये बहुत समाज के लिए मैसेजिंग चीज है कि हम लोग अगर सब कोई हर एक दूसरे के बहन या बेटी बहनियों के लिए खड़ा हो जाए तो हमारे समाज से लगभग दैत और राक्षस लगभग समाप्त हो जाएंगे। ये विचार आपको कब उत्पन्न हुए कि किस तरह के फिल्म बनाए जाए? इस तो सर बात है, बरसों से इसमें हम लोग लगे हुए थे और समाज में सब घटनाओं को देखते हुए लग रहा था कि एक मैसेज कुछ दिया जाए, तो देने के लिए एक बहुत सशक्त मीडिया की जरूरत है। तो हम लोग देखे कि फिल्म ही एक बहुत मीडिया सशक्त है जो घर घर तक, लोगों लोगों तक, और MX प्लेयर क्योंकि सबके और हम लोग का एक च्वाइस देता और संजोग भी सही कि वर्ल्ड के बड़े प्लेटफार्म OTT पर और MX प्लेयर पर हमारा फिल्म चल गया। आम आदमी सब अपने अपने मोबाइल में MX प्लेयर पर इसको देख सकते।